सैमसंग गैलेक्सी A71 5G। हाँ गाइज, आप लोगों को पता है यहाँ पे सैमसंग का A71 5G एक फोन भी आने वाला है जो बहुत बड़े चिपसेट के साथ आएगा, एंड इसमें और भी A71 से बेटर फीचर्स होने वाले हैं कंपेयर टू A71, और A71 5G में बहुत फर्क होगा। तो पूरा वीडियो देखिए, जल्दी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर से कर लीजिए। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं इस सैमसंग के A71 5G वाले वेरियंट की, इंडिया में आने वाला है कि नहीं, प्राइस क्या होने वाला है, लॉन्च डेट क्या होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो सैमसंग का A71 5G होने वाला है, ये मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसकी लीक आई है प्रॉपर, तो मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखिए A71 5G मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बता दूँ, जो लीक आई है प्राइस और लॉन्च डेट बाद में बात करेंगे, पहले लीक से स्पेसिफिकेशन बात करते हैं। सबसे पहले जो लीक आई है वो है इसकी डिजाइन के मामले में। जैसे आपने A95G में डिजाइन देखा, वैसे ही कुछ सिमिलर इस फोन में भी हमें डिजाइन देखने मिल सकता है बोला जा रहा है। तो आपको याद हो तो आप देख, वैसे डिजाइन मिलेगा जैसे आप देख सकते हैं। अब A71 जैसे डिजाइन नहीं मिलेगा, तो A71 और A71 5G में बहुत फर्क होने वाला है भाई डिस्प्ले के हिसाब से। तो डिस्प्ले आपको अच्छा मिलने वाला है मेरे हिसाब से, सॉरी डिजाइन अच्छा मिलने वाला है। डिस्प्ले में बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे डिस्प्ले जो है हमें मिलेगा 6.7 इंच के फुल HD+ का डिस्प्ले होगा, सुपर एमोलेड पैनल होगा और सेंटर में पंच होल होगी, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। तो डिस्प्ले इस फोन का जो है बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा इस फोन का डिस्प्ले। अपने कमेंट बताओ भाई आप लोगों को कैसा लगा इसका डिस्प्ले, मुझे बहुत अच्छा लगा है। चिपसेट में हमारी बात कर ली जाए, तीन चिपसेट की लीक है, तीनों चिपसेट भाई टॉप परफॉर्मर है। एक है एक्सोनोस 980, बहुत बढ़िया है, ये भी आए तो अच्छा है। दूसरा है एक्सोनोस सॉरी स्नैपड्रैगन 765, तीसरा है स्नैपड्रैगन 765 5G वाला, 5G हाँ 5 वो सीने वाला है। तो ये तीन चिपसेट के लीक्स हैं, तीनों भाई भाई पावरफुल है, तीनों में से कोई भी आए मैं तो भाई दोनों तीनों को वेलकम करता हूँ, आ जाओ। बट मैं चाहता हूँ एक्सिनस का स्नैपड्रैगन का 765 5G वाला है तो ज़्यादा सही रहेगा, और 5G तो ये फ़ोन होने ही वाला है। और बात कर ली जाए यहाँ पे कुछ कैमराज के बारे में इस फ़ोन की, तो यहाँ पे हमें क्वाड कैमराज का सेटअप मिलेगा। तो अब ये एक्सपेक्ट करते हैं इस फोन में इस बार कि इसमें 108 MP कैमरा मिलेगा, क्योंकि हमें 64 MP मिला A71 में, बट यहाँ एक्सपेक्टेशन की जाएगी 108 MP की। सेल्फी कैमरा बात करता हूँ, सेंटर पंच होल होगी, 32 MP यहाँ भी मिलेगा जो हमें A71 में भी मिला। तो कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है इस फोन का भी, वहीं बात कर ली जाएगा इस फोन के बैटरी में। तो यहाँ पे इस बार 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी मिलेगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी होगा, तो बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी। UI तो Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स एंड वन UI 2 के साथ रन करेगा। ये ओवरऑल पूरा है हमारे यहाँ पे सामने, आप देख सकते हैं A71 5G। अब बात कर ली जाए प्राइस के बारे में, तो इस फोन का जो प्राइस होगा अराउंड 30 से 35 हज़ार के बीच आएगा। तो आप बोलोगे 30 हज़ार 35 हज़ार से अच्छा है, मतलब फोन ठीक ठाक है। बट ये एक और बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आपने पहले जब मेरा नाम ही सुना सैमसंग गैलेक्सी A71 5G, इंडिया में अभी 5G के कितने चांसेस है, मतलब कितना आने की प्लानिंग हो रही है, नहीं ना तो ये फोन भी इंडिया के अंदर मुझे स्ट्रांगली लगता है नहीं आएगा। ज्यादा चांसेस यही है कि नहीं आएगा, बाहर जरूर आएगा भाई, बाहर तो चल रहा है बहुत हो रहा है तो बाहर आएंगे, मगर इंडिया में नहीं आने वाले ऐसे में। बहुत मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमारा इंडिया इतना अच्छा है मगर 5G नहीं है, आएगा मगर मुझे लगता है यार जल्द से जल्द 5G लाना चाहिए इंडिया को अब। मगर यार एक बात ये भी है ना, कहीं कहीं मैंने सुना अभी भी हो सकता है ऐसी कोई कोई जगह हो जहाँ 4G का भी टावर नहीं हो, तो कहाँ से 5G आ जाएगा। तो भी इसका भी हमें इंतजार करना चाहिए, और हमारे इंडिया तो है भाई इतनी अच्छी कंट्री की, बहुत जल्दी हम आ जाते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो हम भी जरूर से जल्द 5G में आएंगे और हम भी 5G यूज कर सकेंगे इंडिया के अंदर। तो बस गाइस इस वीडियो में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक करना, चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं ऐसे आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे रोजाना टेक, रोजाना नहीं कभी कभी छुट्टी हो जाती है, बड़ा कोशिश करता हूँ बहुत सारे वीडियो लाने के लिए हफ्तों में, तो चैनल सब्सक्राइब भी इसलिए कर लो। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।